गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग चैप्टर 10 ट्रेवल्स एंड टू. यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द बैक वाटर. वट इज़ बैक वाटर? बैक वाटर्स आर इनलैंड लेक्स डेट आर फॉर्म्ड बाय द टो एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ सी वाटर एट बीचेस. द बैक वाटर्स ऑफ केरला आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैनल्स. After that, I have taken the next paragraph, India, a tourist paradise. So here we have read about the different type of tourism, different tourists take interest in a different type of tourism in India. Now we will start from here. Some of them are given below. So different type of tourism की बात की गई थी कि अलग अलग तरह के tourism होते हैं, तो वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट एडवेंचर टूरिज्म, इट इंक्लूड एक्सप्लोरेशंस ऑफ रिमोट एरियाज एंड एडवेंचरस एक्टिविटी. जो एडवेंचर टूरिज्म है उसमें क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो, जो रिमोट एरिया है उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पर जा सकते हो, सर्च कर सकते हो, सर्वे कर सकते हो, और जो एडवेंचरस एक्टिविटी है उसको इन्जॉय कर सकते हो. वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, लाइक ट्रैकिंग इज़ पॉपुलर इन प्लेसेस लाइक लद्दाख, सिक्किम और हिमालयाज. तो एडवेंचर टूरिज्म में क्या आता है, एक ट्रैकिंग भी आता है. तो जो ट्रैकिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. कहाँ पर है, लद्दाख जाना लोग पसंद करते हैं, सिक्किम और हिमालयाज पे जाना पसंद करते हैं ट्रैकिंग के लिए. देन स्कीइंग इज़ पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर. तो जो स्कीइंग है, यू कैन सी दिस स्कीइंग, ये होती है यहाँ पर आइस के ऊपर स्केट की जाती है, तो उसे स्कीइंग बोलते हैं. तो स्कीइंग कहाँ पर फेमस है, बहुत ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में और जम्मू कश्मीर में, ठीक है. देन वाटर राफ्टिंग अट्रैक्ट्स एडवेंचर टूरिस्ट टू उत्तराखंड, असम एंड अरुणाचल प्रदेश. सो वाटर राफ्टिंग का अट्रैक्ट करती है कौन कौन से टूरिस्ट को, कौन कौन सी जगह पर. तो जो वाटर राफ्टिंग है कहाँ होती है, उत्तराखंड में होती है, आसाम में होती है और अरुणाचल प्रदेश में भी होती है. तो बट साथ ही साथ मैं बता दूँ, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी वाटर राफ्टिंग बहुत फेमस है, तो यहाँ पर भी बहुत से लोग वाटर राफ्टिंग के लिए आते हैं. सो ऑल दीज आर वेरी फेमस एक्टिविटी विच द टूरिस्ट लाइक ट्रैकिंग, स्कीइंग एंड वाटर राफ्टिंग. नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मालावात पुमा अ माउंटेनियरिस बिकम द यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 13, शी होस्टेड द इंडियन ट्राइकलर हियर. जो मालावात पुमा है वो जो यंगेस्ट माउंटेनियरिंग है, मतलब जिन्होंने माउंट पे क्लाइम किया था, ठीक है, चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था, कितने साल के थे, सिर्फ 13 ईयर्स की थी. तो और उन्होंने वहाँ जा कर तिरंगा फैलाया था, ठीक है, हमारे तिरंगे को. तो आपको याद रखना है, मालावात पुमा इज़ द यंगेस्ट गर्ल टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एट द एज ऑफ 13. एंड शी होस्टेड द इंडियन ट्राइकलर डियर. वहाँ माउंट एवरेस्ट जाकर उन्होंने तिरंगे को लहराया था. नाउ द नेक्स्ट टूरिज्म इज वाइल्ड टूरिज्म, ठीक है. इंडिया हैज अ रिच फॉरेस्ट कवर डेट शेल्टर्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं और जो शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है, बहुत सी वैरायटी जो होती है वाइल्ड लाइफ, यानी बहुत से एनिमल्स को रहने के लिए जगह देता है, मतलब बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको रहने के लिए जो ये फॉरेस्ट है शेल्टर देते हैं. सम स्पीसीज फाउंड हियर आर कैंगेज शार्क, ब्लू व्हेल, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक
लायन, रॉयल बंगाल टाइगर। सो इन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी स्पीसीज भी हैं जो पाई जाती हैं, उनमें से कौन कौन से एग्जांपल है, गेंगिस शार्क, ब्लू व्हेल, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन एंड रॉयल बंगाल टाइगर, और बहुत सारी और भी हैं। सम ऑफ देम आर इंडेंजर्ड एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड। तो बहुत से ऐसी स्पीसीज भी हैं जो इंडेंजर्ड हैं, हमने इंडेंजर्ड का पढ़ा है, वो एनिमल्स हैं जो ख़त्म होने की कगार पर हैं, उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल। ठीक है, कई कुछ तो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, बट सम आर इंडेंजर्ड एनिमल्स जिनको हमें ज़रूरत है जिनको बचाने की। तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो इस फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स आर फेसिंग थ्रेट्स एंड आर ऑन द वर्क ऑफ एक्सटेंशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं वो फेस कर रहे हैं इस खतरे को कि कभी भी वो ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंट एनिमल्स आर दोज हु हैज़ डिसअपियर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। और एक्सटेंट एनिमल्स हैं वो एनिमल्स हैं जो कि ख़त्म हो चुके, डिसअपियर हो चुके हैं अर्थ के ऊपर से। ठीक है, लाइक हमारे पास एग्जांपल मैंने हमने पढ़ भी रखा है इंग्लिश चैप्टर में एक्सटेंट एनिमल का, और वो क्या है, डायनासोर। और इंडेंजर में हमारे पास टाइगर है, लायन है, एलिफेंट्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सो डियर स्टूडेंट, टूडे वी हैव रेड अबाउट द एडवेंचर टूरिज्म। इट इंक्लूड एक्सप्लोरेशन ऑफ रिमोट एरियाज एंड एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक ट्रैकिंग। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ ट्रैकिंग। ट्रैकिंग इज़ पॉपुलर इन प्लेसेस लाइक लद्दाख, सिक्किम एंड हिमालय। तो माउंटेन्स पे क्लाइंब करते हैं ट्रैकिंग में, यू कैन सी हियर। नाउ द सेकेंड पिक्चर इज़ स्कीइंग। स्कीइंग इज़ पॉपुलर इन हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, दिस इज़ नोन एज स्कीइंग। Another picture of skiing. This is very famous in Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir. The next adventure activity is rafting. So rafting attracts adventure tourists to Uttarakhand, Assam and Arunachal Pradesh. It's a water rafting. So hope you understand what is adventure tourism. Dear student, after adventure tourism, we read about the wild tourism. India has a rich forest cover that shelter a large variety of wild life. Now I'm going to show you the picture of some species. First is Genghis shark. Another picture of Genghis shark. Picture of blue whale, one more picture of blue whale, now this is a picture of Asiatic lion which is very, very famous in India, the picture of Royal Bengal tiger. So dear student, these animals are endangered animals. Now I'm going to show the picture of extinct animal. This is a picture of dinosaur. So dear student, hope you understand what is adventure tourism and what is wildlife tourism. And in the wildlife tourism, we have read about the endangered animal and extinct animal. And tomorrow we will take the next tourism, which is pilgrims tourism. So that's all for the day. What will you do? You will read this paragraph. Thank you and have a nice day.